इंदौर के बहुचर्चित मर्डर मिस्ट्री कविता हत्याकांड को सुलझाने में अब तक नाकामयाब पुलिस के पूछताछ का केंद्र बार बार पति और परिवार पर आकर सिमट जाता है। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने अब कविता के परिवार वालों का ही गुपचुप तरीके से डीएनए टेस्ट करवाया है। माना जा रहा है कि कविता रैना मामले में पुलिस के हाथ कुछ ठोस सबूत लगे हैं, जिसके बाद ही पुलिस ने ये कदम उठाया है। बहुचर्चित कविता रैना हत्याकांड बना पुलिस के लिए चुनौती। अब तक अनसुलझी है कविता हत्याकांड की गुत्थी। अब डीएनए के जरिए हत्याकांड की जांच गुपचुप तरीके से करवाई जा रही है। जांच संदेह पर एक और शख्स को पकड़ा। इंदौर की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री कविता रैना हत्याकांड में पुलिस की सबसे बड़ी टीम की जांच में जुटने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस को जो सबूत हाथ लगे हैं उनकी कड़ियां जोड़कर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक तो हत्याकांड की गुत्थी अनसुलझी ही है। पुलिस की कई टीमें भी अभी तक कविता रैना हत्याकांड का कोई भी सुराग हाथ लगने में नाकामयाब रही है। पुलिस संदेह के आधार पर कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है। वहीं पुलिस की कविता के पति और परिवार वालों से पूछताछ अब भी जारी है और इंदौर पुलिस ने इस बार बड़े ही गोपनीय तरीके से परिवार के लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया है। डीएनए टेस्ट के लिए कविता के पति संजय, सास, बेटा जयंत, बेटी यशस्वी और एक संदेही महेश का भी ब्लड सैंपल लिया गया है। पुलिस ने मामले में महेश को भी हिरासत में लिया है। महेश आलोक नगर मूसाखेड़ी का रहने वाला है। महेश की मोबाइल शॉप थी जिसे उसने बंद कर दिया है। साथ ही करीब 3 माह पहले महेश की पत्नी ने उस स्थान पर साड़ियों की दुकान खोली थी जहाँ कविता अपनी बच्ची को लेने के लिए जाया करती थी। महेश की पत्नी अपने घर पर ब्यूटी पार्लर भी चलाती है जहां पर कविता का आना जाना लगा रहता था। उसमें विवेचना चल रही है और ये जरूर है कि विवेचना की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग रहा है। हमारा पूरा प्रयास है इसमें एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और बहुत ही बृहद तरीके से विवेचना की जाए, मेहनत से की जाए, कार्रवाई चल रही है। प्रयास इस दिशा में किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हम इसी निष्कर्ष के पहुंचते हैं। अब डीएनए रिपोर्ट के इंतजार के बाद ही साफ हो पाएगा कि पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही है या फिर पुलिस सिर्फ अंदाजी घोड़े दौड़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।